आंटी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए? क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरूरी बात? डोंट वरी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा शुक्रिया अदा किस लिए? वेदिका, तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो भी किया है ना, उसके लिए शुक्रिया तो बहुत छोटा शब्द होगा। दूसरों के लिए जीने वाला मेरा बेटा, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी मानने वाला मेरा बेटा, अपनी खुद की जिंदगी में बहुत अकेला हो गया था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, हरदम मुस्कुराता रहा। लेकिन क्या माँ की नजरों में ये खालीपन छुप सकता है? नहीं ना। तुमने उसे जिंदगी के बारे में समझाया, तुमने उसे समझाया कि जिंदगी जीने का नाम है, और तुम्हारे समझाने का ऐसा असर हुआ कि उसने अपने जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल लिया। हाँ वेदिका, मेरे बेटे की जिंदगी का खालीपन अब भरने जा रहा है। उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। That's really good. हाँ वेदिका, ये सब तुम्हारे समझाने का नतीजा है। आज तक इतने रिश्ते आए उसके लिए, लेकिन हर बार ना ना और ना, लेकिन अब इस हाँ ने एक माँ के दिल को ठंडक पहुंचा दी है। वेदिका, तुम दुआ करो ये हंसी ये खुशी इसी तरह बरकरार रहे। क्यों नहीं आंटी जी, मैं जरूर दुआ करूंगी। और आयुष सर तो दुनिया की हर खुशी डिजर्व करते हैं। ये देखो वेदिका, चलिए मैं आता हूं। ये देखो, अभी अभी ज्वेलर से लेके आई हूँ। That's really beautiful. आयुष ने इसे खुद पसंद की है और बोला सबसे पहले इसे वेदिका को दिखा। बहुत प्यारी है। ऐसे नहीं, अपने हाथ में पहन कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसी लगती है। बहुत सुंदर वेदिका, बस अब मुझे उस पल का इंतजार है जब मेरा बेटा ये रिंग मेरी बहू के हाथ में पहनाएगा। आज मेरे खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। और आपकी खुशी और सर की खुशी में मेरी खुशी शामिल है। वेदिका, तुमने मुझे इतना दर्द दिया, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी यादों से अलग नहीं कर पाया। पर तुमने कितनी आसानी से अपनी जिंदगी के रास्ते अलग कर दिए, सब कुछ भुला दिया, नए रास्तों में नए साथी ढूंढ लिए, नए साथी ढूंढ लिए, नए साथी ढूंढ लिए।